जो जिस तरीके से 1970 में बना था, तो आज भी क्या प्रक्रिया आप लोग की चल रही है? एक मंदिर बगल में है, मस्जिद बगल में, आप लोग को सुदृढ़ रूप से नमाज हो पाती है? हाँ, बिल्कुल आराम से हो पाती है। इसमें हर उसी वक्त ये बात तो हो गई थी कि मतलब नमाज के टाइम में लोग अपना घंटा घरियारा बंद कर देंगे, हम लोग अपना नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद इनका अपना काम प्रोग्राम चलेगा। हमारा टाइम जो है फिक्स है, इतने बजे इतने बजे इतने बजे, है ना, इसलिए वो टाइम नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, उसके बाद ये अपना दिन भर रात भर जो भी चाहे करें। हमारा तो तालमेल सबसे एक ही, हम लोग साथ ही रहते थे, साथ ही शुरू में पले बड़े हैं और खेलते भी हैं, एक दूसरे के त्योहारों में भी साथ शरीक होते हैं, तो इसीलिए हम लोगों का भी सोच वैसे ही है जैसे पुराने लोगों का था। सोच हम लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ पाई बाहरी लोगों का। हाँ, दंगे हुए तो माहौल यहाँ का कैसा था? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था और कोई वो नहीं, ना यहाँ कोई फोर्स आई। हम लोगों ने खुद कोतवाल को लिख के दे दिया था कि हमें फोर्स की जरूरत नहीं है, हमने भी हमारे प्रधान ने भी कि फोर्स की जरूरत, हम लोग खुद फोर्स बैठे हैं यहाँ पे, अपने गांव की सुरक्षा हम खुद करेंगे और करते हैं। कोई भी आदमी मंदिर का नुकसान पहुँचाना चाहेगा तो पहले हम खड़े होंगे, कोई मस्जिद का नुकसान पहुँचाए पहले हमारे पंडित खड़े होंगे। हमारे यहाँ बहुत बड़ी एकता है।